हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो अपलिफ्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर तुम्हारे विंडोज़ 10, 11 में पावर प्लान मिसिंग है, लाइक आपका पावर सेवर है, बैलेंस्ड है, हाई परफॉर्मेंस है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस है, अगर इनमें से कोई भी प्लान आपका मिसिंग है और उसको अगर आप वापस लाना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, तो आपसे मैं 2 से 3 सिंपल स्टेप्स यहाँ पर शेयर करूँगा जो कि बहुत ईजी है और कुछ कमांड के ज़रिए से आप इसको यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान के चलो कि अगर पहला काम नहीं करता है तो दूसरा मेथड आपके लिए ज़रूर काम करेगा, और दूसरा भी काम नहीं करता है तो तीसरा 100% आपके लिए काम करेगा। सबसे पहले मेथड में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है रीस्टोर करने का सारा पावर प्लान। तो उसके लिए अपने विंडोज सर्च पे यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो पावर शेल आएगा, इस पे राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ करो और ओपन कर लो। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक कमांड पेस्ट करनी है जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से कॉपी करो, यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी, एंटर करो। एंटर करने के बाद अपनी सेटिंग को दोबारा से ओपन करो, या अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करो powercfg.cpl, और यहाँ पे जो है एंटर करने पे अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि सारे तुम्हारे यहाँ पे पावर प्लान वापस आ गए हैं। अगर इन केस तुम्हारे लिए ये मेथड काम नहीं करता है तो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, आपको कुछ कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन दोबारा से दूंगा। यहाँ पे आपको अलग अलग कमांड देखने को मिलेगी, हाई परफॉर्मेंस के लिए, अल्टीमेट परफॉर्मेंस के लिए, पावर सेवर के लिए, सबके लिए अलग अलग कमांड मिलेगी। जो भी पावर प्लान आपका मिसिंग है वो कमांड तुम्हें वहाँ पे कॉपी करनी है, उसके बाद विंडोज सर्च पे क्लिक करो CMD, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लो, और उसके बाद वो कमांड तुम्हें यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देनी है। तो चाहे तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस, अल्टीमेट, पावर सेवर जो भी मिसिंग है, या तुम सबको चाहो तो 1x1 कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है गाइस, तो होपफुली ये तुम्हारे लिए काम करेगा, ये दोनों सॉल्यूशन बहुत ही पावरफुल हैं। नाउ इन केस अगर ये फिलहाल काम नहीं करता तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो, उसके बाद देखो क्या तुम्हारे पास ये ऑप्शन वापस आ गए हैं, ये पावर प्लान वापस आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। अगर इन केस अभी भी नहीं आता तो एक और मैनुअल ऑप्शन है जहाँ पे आप powercfg.cpl टाइप करके पावर प्लान ओपन कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ पावर प्लान, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हारा जो है प्लान यहाँ पे शो करने लगेगा, तो जो सभी तुम्हें चाहिए यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे तुम उसको क्रिएट कर सकते हो। कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है, तुम कुछ भी नाम दे के यहाँ से अगर हाई परफॉर्मेंस, अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे के भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो होपफुली गाइस छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।